बोलो ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राजेंद्रा पैलेस, आपका ध्यान किधर है? स्विमिंग पूल इधर है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई नहीं है। हम पांचों ऊपर जाकर होकर आए हैं, स्विमिंग पूल के पास हमें पंजेबों की आवाजें आ रही हैं, तो हम एकदम सारे भाग कर आ गए हुए हैं बाहर, सारे सोए हुए हैं, यहाँ पे कोई नहीं है बिल्कुल। तो हेलो गाइस, आज आप बोलोगे कहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा है, तो सीना सदा आज हमारा प्लान है हिमाचल का, बट मैं हो गया हूँ बहुत लेट, मैं उठा ही लेट, तो जस्ट अभी फ्रेश होके कपड़े वपड़े डाले हैं, अब हम निकलने लगे हैं टूवर्ड्स हिमाचल। तो अभी और बंदे भी हमें ज्वाइन करेंगे, बट थोड़े से आगे जाके पहले मैं अपनी बाइक लेके जाऊँगा, हम वहाँ पर जाएँगे, मतलब जहाँ पर गाड़ी लगी है तो वहाँ पर हमने मतलब मेरी बाइक वहाँ पे लगाएंगे, फिर उसी गाड़ी में आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो आप बोलोगे भाई ये कहाँ कैसे, तो एकदम ही एकदम एंट्री दे गया बस सिस्टम के, अभी लाइट बंद है, अंदर दे नहीं सकता, इसलिए तो यही सीन है। तो देखो फिर चलते हैं, करते हैं शुरू, आज बड़े दिन बाद थोड़ा दूर का व्लॉग बनेगा, तो बने रहिए। तब तक मैं अपना सामान समेट लेता हूँ जो लेके जाना है, तो आप स्टे ट्यून्ड रहिए और क्या, ठीक है बनी रही है। तो गाइस सीन ऐसे हैं, मैंने अपनी गाड़ी पार्क की है इनके फ्रंट के घर में, ठीक है। ये जो बंदा है ये हमारे से जुड़ चुके हैं, ये मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं, मतलब मेरे फ्रेंड हैं और बड़े भाई जैसे, तो देख लो हेलो कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, अभी गाड़ी आने वाली है हमारी। सीन ऐसा कि अभी गाड़ी आएगी, हमने यहाँ पर गाड़ी पार्क की है, तो चलो जब तक गाड़ी आती तब तो हम वेट कर रहे हैं, अभी और भी बंदे ज्वाइन करेंगे, तो टकआउट देखते रहो भाई, अब क्या कर सकते हैं, अब वेट ही कर सकते हैं। अभी भी गाड़ी हमने लगाई है यहाँ पे, अब वो वेट कर रहे हैं, अभी गाड़ी आएगी यहाँ से, तो एक बंदा यहाँ से ज्वाइन होगा, एक बंदा आगे से ज्वाइन होगा बड़ी बनाने वाली तरफ से, तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी। तब तक के लिए वो स्टे ट्यून, तो मिलते हैं फिर। तो गाइस ऑटो वाले के साथ मौजू करते हुए, बैग शैग पूरा पैक हो गया, सामान से उतर लेना है हमने इधर से ही, ये टमाटू टमाकू डालो अंदर, चलो भाई हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, अभी एक बंदा हमने पिक करना है बड़ी ब्राह्मणा से, तो सारे गाड़ी में आ गए हुए हैं, ये मनीष भाई हैं, मनीष भाई कुछ बोलना चाहेंगे? हेलो हेलो गाइस। तो अभी एक बंदा हमारा गया बाहर, तो अभी एक बंदा और पिक करेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे सीधा वहाँ पे, स्ट्रेट फॉरवर्ड ओवर जर्नी, आपको बताते रहेंगे बीच में, कभी हम मतलब रुकेंगे तो आपको वहाँ के शॉर्ट्स दिखाएंगे, हाँ तो बीच में आपको अच्छे से शॉर्ट्स दिखाएंगे, जो मतलब कुछ अच्छा एरिया आएगा, होप सो कि वहाँ का मौसम अच्छा हो, बस यहाँ गर्मी नहीं हो जैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आप स्टे ट्यून्ड रहे, हम मतलब रास्ते में जितनी भी जगह आएंगे आपको बताते रहेंगे क्या क्या सीन है, क्या क्या नहीं, कहाँ जा रहे हैं क्या नहीं, तो आप देखते रहिए, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए, और मतलब बाकी पुरानी वीडियोस भी देखें मेरे, तो मिलते हैं फिर। तो गाइस सीन ऐसे, अभी हम यहाँ वेट कर रहे हैं क्योंकि एक भाई ने यहाँ पे अपनी पेंट थोड़ी मतलब शॉर्ट करवानी थी, तो सांबा वाली एरिया में अभी रुके हैं हम, भाई थोड़ा अपना करवा रहा है, मतलब अभी हम किसी के मतलब फंक्शन में जा रहे हैं, तो वही अभी भाई अपना थोड़ा करवा नहीं पाया थोड़ा काम, तो वहीं से अभी भाई शॉर्ट करवाएगा अपनी पेंट यहाँ से, फिर हम निकलेंगे यहाँ से। तो अभी हम सांबा ही रुके हुए हैं सारे, मतलब सारे अब हो गए हुए हैं, हमारी मतलब जर्नी स्टार्ट हो गई ऑलमोस्ट, अभी बहुत धूप है यार इस एरिया में, तो आई होप कि आगे मौसम थोड़ा ठीक हो जाए, टाइम काफ़ी हो गया, मतलब काफ़ी दूर जाना हमने उस हिसाब से, तो टाइम काफ़ी हो गया, और ज़रूर देखते हैं क्या सीन बनता है क्या नहीं। एक तो बच चुका है, हिमाचल जाना है तो दूर ही है, पर देखते हैं क्या बनता क्या नहीं सीन, अभी भाई करवा रहा है अपना काम, उसके बाद भी निकलेंगे इधर से, हाँ तो ये भाई भी हमारे साथ हैं आप देख लो, तो बस अभी यहाँ से इनका थोड़ा काम हो जाए, उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे, धूप हो गया और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, अब देखो कब तक पहुँचते हैं, बीच में आप थोड़ी जगह रुकेंगे, उसके बाद फिर आपको थोड़ा थोड़ा व्यू बताते रहेंगे रास्ते में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बस स्टे ट्यून्ड रहे। क्या बताया,
बस आगे आई होप कि मौसम ठीक हो यार, मौसम थोड़ा ख़राब हो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी यार, बड़ी धूप है अभी यहाँ तो, गर्मी है बड़ी ज़्यादा, देखो क्या बनता क्या नहीं। चलो भाई निकल तो चुके हैं अभी काफ़ी टाइम बाद, तो देखो अब क्या बनता है। आई होप कि वहाँ की जर्नी ठीक रहे, क्या सिस्टम ओके रहे वहाँ का। चलो फिर देखते हैं आगे आगे क्या बनता क्या नहीं। आप ब्लॉग बनी रहिए भाई, आपको सही सेक्सी सेक्सी व्यूज़ दिखाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं फिर। तो गाइस फाइनली हम यहाँ ढाबे पे पहुँच चुके हैं। अभी हमने रोटी छोटी खाई है, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। तो ये देख लो, अब ये ढाबा है, बड़ी ज़्यादा ही रोशनी है कुछ, तो थोड़ा कम कर लो, ये ढाबा है। बाकी अंदर बैठे हैं, थोड़ा बहुत खाएंगे पियेंगे, खा पी के फिर निकल जाएंगे यहाँ से। चलो तो फिर चलते हैं अंदर, खाते पीते थोड़ा फिर निकलेंगे। भाई भूख बड़ी लगी है मेरे को। तो ये अभी हमारा नान चन चल रहा है, अभी ये नान चन खाएंगे फिर जाएंगे। चलो रेडी, ओके है नान? बहुत बढ़िया बढ़िया। चलो भाई गाइस खा पी के, लखनपुर से आगे माधोपुर में दुकान है, यहाँ पे दो है, बेकार बैठना मना है। ये देख सकते हो यहाँ पे बेकार बैठना मना है। तो खा पी के यहाँ से तितर हो जाए, है ना। चलो हम खा पी के। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं खाना पीना खा के। तो भाई देख सकते हो इन भाई से आप मिले नहीं होंगे, क्योंकि खाना खा रहे थे बाद में। और बारिश भाई से तो आप मिल ही चुके हो, बारिश भाई ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया, और एक और भाई अपना ये पंच दिखाओ आप, मेरा कैमरा पीछे एक और भाई आया, इन्होंने हेलो भाई क्या हाल चाल, बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ पे, गर्मी भी कह सकते हैं लेकिन जम्मू से ज़्यादा ही गर्मी यहाँ पे बढ़ रही है। बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, लेकिन गाड़ी का अंदर इन्वायरमेंट ठीक है, अच्छा है, एसी ऑन है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए गुलशन यहाँ पे बिजी चैटिंग चल रही है, फुल ऑन चैटिंग चल रही है। तो अब देखते हैं यार आगे कोई अच्छा व्यू आएगा ना, उसके बाद हम रुकेंगे फिर फोटो छोटे खिंचाएंगे। तो अभी व्यू तो आया नहीं इतना खास, जम्मू में ही हैं फिलहाल, तो देखते हैं लखनपुर वाली साइड ही है, आगे व्यू आएगा कोई तो फोटो छोटे खिंचाएंगे थोड़ी बहुत, फिर आपको दिख जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पे। तो आप अगर नहीं फॉलो किया तो मेरे लिंक में डिस्क्रिप्शन में आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको फिर कोई अच्छी लोकेशन पे, क्योंकि आप गाड़ी में क्या ही ब्लॉग बनाएंगे, खा पी लिया फुल सेट है, आप क्या बताओ हम सो भी जाए पे पता नहीं। तो मिलते हैं फिर आपको बाद में, ठीक है, ओके। आ गया टोल प्लाजा, टोल है क्या ये? वेलकम टू हिमाचल, ओके। कितने भैया? 40 रुपए टूटे। चलो भाई पर्ची कट गई, वेलकम टू हिमाचल, ऑलमोस्ट हिमाचल हमने एंटर कर लिया। बोल तेरे रड़ तन
ज्वाला जी आगे गाइस हम बहुत ज्यादा भीड़ है, थोड़ा टाइम लगेगा। माय गॉड, बन भी घबरा गया भीड़ को देख के। बाकी आप अमृतसरी नान खा सकते हो तब तक। हाँ, हमें नान खा चुके हैं, आप देख सकते हो। तो गाइस सीन ऐसे हैं कि अभी हम पहुंच गए कांगड़ा, तो अभी मानिश भैया ले रहे हैं अपने फ्रेंड के लिए थोड़े गिफ्ट वगैरह, क्योंकि उन्होंने वहाँ से कैरी नहीं किया था। तो अभी वहाँ से क्योंकि हम उनकी शादी पे जा रहे हैं, मानिश भैया के फ्रेंड, मानिश भैया के फ्रेंड के मतलब मैरिज है, तो उसकी उसी के सीन में गिफ्ट ले रहे हैं। तो अभी हम कांगड़ा पहुँचे हैं, तो टायर्ड हो गया, ऑब्वियस है कि इतने देर से बैठे हैं हम। तो अभी मतलब यहाँ से दूर है काफ़ी, तो हम फाइनली अभी यहाँ पे ले रहे हैं सामान सामून, लेंगे यहाँ से, उसके बाद फिर हम निकलेंगे यहाँ से। आई होप कि हम थोड़ा जल्दी पहुँचें। अगर थोड़ा हम जल्दी पहुँचेंगे उससे क्या होगा कि थोड़ा मैं शूट वगैरह कर पाऊँगा, अगर चल नहीं हुआ तो थोड़ा कोई बात नहीं, मैं मैरिज आपको हिमाचल की मैरिज का थोड़ा बता दूँगा क्या सीन है क्या नहीं, क्योंकि मैंने भी कभी हिमाचल की शादी देखी नहीं है। तो अगर हो सके तो मैं शूट कर सकूँ तो करूँगा। कब पहुँचेंगे फिर आपको देखते हैं, शूट शूट करेंगे। और हाँ गाइस, जैसे कि मतलब कि अगर हम मतलब एक व्लॉग मेरा यहाँ का आएगा तो एक आते वक्त आएगा, जो आते वक्त आएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। इतना लंबा व्लॉग नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ का भी मैंने शूट किया, तो फिर उस हिसाब से तो जो आते वक्त है उसमें हम थोड़ा टाइम मतलब बीच में रुक रुक के आएंगे, क्योंकि जाते वक्त क्योंकि हमें टाइम पर पहुँचना हो, ऑब्वियस है वहाँ पर उनकी मैरिज है तो हमें टाइम पर पहुँचना पड़ेगा। पर एक ही आते वक्त मैं थोड़ा रुक रुक के आऊँगा, जिससे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाऊँ, तो कुछ सीन वैसा नहीं है। तो मतलब ऑलरेडी मेरे दो तीन ब्लॉग आएंगे, तो वो सीन वाला मतलब ये सीन आएंगे, दो तीन ब्लॉग तो ऑब्वियस आने ही आने हैं, क्योंकि आते वक्त और दस वक्त का और क्या पता बीस मिनट के बाद आधी रुके, तो वो वाला सीन है। बाकी आप बने रहिए, आपको आगे जो 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 मैं शूट करता रहूँगा आपको पता चलता रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, प्लीज़ लाइक करते रहे मतलब वीडियोस को, और मेरी पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं आप, इतनी बुरी भी नहीं है, तो प्लीज़ जाइए और चेक करिए। बाकी क्या ही है भाई, जब भी आपको टाइम मिलता भाई को आप वीडियो शूट करता है आपके लिए, बाकी कोई सीन नहीं है। तो बने रहिए, फिर देखते रहिए क्या क्या है क्या क्या नहीं, ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर आगे। ओके। तो गाइस सीन ऐसे हैं कि यार हम शादी पे पहुंच गए हैं, बट यार यहाँ पे बड़ा ज़्यादा रश है और हम बहुत काफ़ी लेट पहुँचे हैं शादी में, इस वजह से मतलब मैं कुछ खास शूट कर नहीं पाया। बस तो अभी एक दो चीज़ें खाई हैं, भूख भी इतनी लगी है, बस एक दो चीज़ें खाई हैं, तो यही सीन है, मतलब अभी शूट कर पाया नहीं इतनी खास कुछ, क्योंकि शादी ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म ही है, मतलब कुछ आया नहीं है, अब क्या बताता मैं आपको वहाँ पर, सो लोग खा ही रहे हैं वहाँ पर, क्या बताता, लेट हो गया हम काफ़ी। तो कोई बात नहीं, अगर हम कल जाते जाते शूट कर पाए तो मैं कल के व्लॉग में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लाऊंगा, तो अगर नहीं हो पाया फिर क्या ही बोल सकता हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग के, तब तक के लिए बाय बाय।